हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पनीर ब्रेड चीज़ सैंडविच अपना। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी मेकिंग। आपको 3 ब्रेड की स्लाइस ले लेनी है। आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं या शेज़वान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी अपनी वेजीज ऐड कर देंगे। मैंने थोड़े से अनियन और चिलीज़ का ही यूज़ किया है। आप चाहे तो कैप्सिकम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ की बारिश कर देंगे तीनों ब्रेड की स्लाइसेस पर अच्छे से, ताकि काफ़ी चीज़ी चीज़ी और यम्मी सा बन के रेडी हो। तो आपके घर में बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हों, उन्हें सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये चीज़ की बारिश हो चुकी है तो हम थोड़ा सा पनीर की बारिश कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें वेजीज वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, है ना। अब मैंने थोड़ा सा टमाटर यूज़ किया है, थोड़े से अनियन और थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, थोड़ी सी अपना चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ कर लीजिएगा, चीज़ में भी सॉल्ट होता है तो थोड़ा हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अब दूसरी ब्रेड के साथ इसे कवर करने पे हम अपनी फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये नॉनस्टिक पैन है, आप इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल लीजिएगा। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब ये बटर के साथ सेकता है। तो इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लीजिए। जो इसकी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसमें बटर का फ्लेवर आ जाएगा ब्रेड में और ये टोस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आपके घर में मेहमान आए हो या फिर आपको छोटी मोटी भूख लगी हो तो एकदम झटपट से बन के रेडी होने वाली रेसिपी है ये। तो ये हमारे जो सैंडविचेस थे वो बन के रेडी हो गए हैं। धीमे धीमे आँच पर आप इसे पकाइएगा, 2 से 3 राउंड में ही ये बन के अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे चटनी, ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, चाय कॉफ़ी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी हो, कमेंट में अपने सजेशंस फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।